شبابا قد أنابا والى الله استجاب ان من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب <applause> في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مهد وليعد للدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال الله تبارك وتعالى في موزع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد محترم ناظم المجلس إسلامي بحيو باهنو. और इस प्रोग्राम को देखने और सुनने वालों सबसे पहले मैं अल्लाम आलकम कहता लहता हूँ सना हो उस रब्बे जलाल की जिसकी इबादत में कोई शरीक नहीं जिसकी कोई औलाद नहीं जो यकता वो तन्हा है जो अपने फ़ैसलों में मुखदिर है कोई उसका हमसर नहीं सलात सलाम हो जनाब नबी करम सल्हु वसलम की दस पर जो शाफ़ मशर है जो रहती दुनिया तक के सारे इंसानों के लिए नबी आखिरज़मा बनाकर भेजे गए हैं अल्ला मसलअलाहमद वाल महमदिन कम सल तला इब्राहिम वालब्राहिम इनका मजीद हज़रा सामीन मैं अपने मौजू को यानि के साथ خوش نسيب لوك كي ابتدا نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كي اسحديث سيكرتاهم جسم آب صلى الله عليه وسلم نفرمايا سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل ظل إلا ذله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان ورجلان تحابا في الله اجتماعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه متفق عليه حاضرين يهديس جو میں سنائی ہے इसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम रम्ह और बहुत से महदसिन ने रिवायत किया है हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि सात नसीब लोग ऐसे हैं सात बंदे अल्लाह के नेक ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह रब्लम अपने साय में जगह देगा जिस दिन के कोई सा नहीं होगा सिवाय उसके साये के कौन लोग हैं ये लोग आपने तफसील से फरमाया कि एक वो आदमी है जो कि इमाम आदिल है यानी कि हुकुमरान जो कि इंसाफ परवर है उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक और वो आदमी है जिसका दिल मस्जिदों से जुड़ा रहता है मस्जिदों से लगा रहता है उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया एक वो आदमी है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए किसी और आदमी से किसी और मोमिन से मोहब्बत करता है और फिर आप में फ़रमाया वो आदमी हैं जिसकी जवानी का अरसा जिसकी जवानी का ज़माना जिसका वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरा और एक वो आदमी है जिसे गुनाह की दावत कोई औरत दे दे जो कि खूबसूरत भी हो और मालदार भी हो लेकिन वो यहाँ पर अपने आप पर खाबू रखते हुए अल्लाह के खौफ को दिल में बिठाते हुए अल्लाह को याद करते कहता है कि इन्नी अ मैं उस अल्लाह से डरता हूँ फिर उसके बाद आपने फरमाया एक वो बंदा है जो सदक़ा इस से नीयत के साथ करता है इस तरह छुपा कर करता है कि उसके दाएं हाथ जो खर्च कर रहा है उसके बाएं हाथ को तक खबर नहीं होती चल जाए कि किसी और को उसको पता चले और फिर एक वो आदमी है जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के खौफ में जैसा कि अम्बिया का इम्तियाज था कि के हमें रगबत के साथ मोहब्बत के साथ और खौफ के साथ दो मिले जुले कैफियत के अंदर हमें पुकारते हैं दुआ करते हैं याद करते हैं तो इसी तरह अल्लाह को याद करता है और उसके आंखों से आंसू बह पड़ते हैं ये वो खास खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह रब्लम अपने अर्श के सए में जगह आता फरमाएंगे हजरात ये साय में जगह आता फरमाना ये खुश नसीबी ये एक नेक बख्ती ये अल्लाह का इनाम ये रिवाड मिलना यह क्यों कर हो सकता है और इसकी अहमियत क्यों क्योंकि ज्यादा बढ़ जाती है हमारे सामने कि बहुत से मराइल से इंसान को गुजरना है खबर के मरहले से गुजरना है हैमत के मुख्तलिफ मराहल से गुजरना है जिस दिन के इंसान अपने भाई को देख कर भागेगा अपनी वालिदा को देख कर भागेगा अपने बाप को देख कर भागेगा अपने दोस्त को देख कर भागेगा हर एक को देख कर भागता रहेगा जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आई आयशा और एक रिवायत में है या फातिमा इन्किदी की मिनार अ फातिमा अभी प्यारी बेटी अपने आप को आग की अगाब से बचा लो इसलिए कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होने वाला और तुम्हारे साथ क्या होने वाला है हालांकि मैं अल्लाह के नबी हूँ मैं अल्लाह का बुरगजीदा पैगम्बर हूँ अल्लाह से मेरी इतनी खुरबत है उसके बावजूद मुझे यकीन नहीं है कि मेरे साथ क्या होने वाला है मेरे साथ अल्लाह का मामला क्या होने वाला है ये वो कैफियत का आलम होता है ये उतनी होलनाकी का वक्त होता है जिस दिन के अंबिया जहन्नम की कैफियत को देख कर रबी रब्बी रबी सल्लिम कह रहे होंगे ए ला मेरी जान एल्ला मेरी जान बचा लीजिए इस तरह कह रहे होंगे कुरान की जो आयत मैंने पढ़ के सुनाई थी खुतबे में इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे हलिम तला क्या तू भर गई है क्या तू फुल हो चुकी है यानी कि जहन्नमियों को भर दिया जाएगा इतनी वसी होगी जहन्नम के तमाम जहन्नमियों को भर जाने के बावजूद वो कहेगी हलम मजीद क्या अल्लाह और भी है तो मेरे पास और साथ है मैं और लेने के लिए तैयार हूँ इतनी वसी जहन्नम इतनी ख़तरनाक जहन्नम के शोलों को देख कर अम्बिया काँप रहे होंगे जब तमाम लोग अम्बिया के पास जमा होंगे फैसले की गुजारिश करेंगे अल्लाह से कहिए कि फ़ैसला शुरू हो हम इस कैफियत को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अम्बिया कहेंगे एक एक नबी जिसमें आदम भी होंगे इब्राहिम भी होंगे जिसमें नूह भी होंगे होंगे ईसा रूह भी होंगे आज मेरा रब इतना गुस्से में है इतना गुस्से में है कि इस तरह का गुस्सा ना कभी इससे पहले हुआ था इसके बाद हुआ था क्यों इसलिए कि इंसानियत ने उसके मकसद से हट कर ज़िंदगी गुजारी अपने पैदाइश के मकसद को भूल कर ज़िंदगी गुजारी उसको फरामोश कर दिया जो सबसे बड़ी हकीकत थी उसको भुला दिया लिहाजा लाबालमीन ला आज गु़स्से में हैं ऐसे वक्त में लोग कांप रहे होंगे अपने अपने गुनाहों के अतबार से पसीने में डूबे हुए रहेंगे ऐसे वक्त में किसी को साया मिल जाना अल्लाह के जानब से खसूसी उनके लिए सीट मिल जाना एक इम्तियाज़ी सलूक मिल जाना ये कितनी बड़ी बात हो सकती है हम में और आप में कितने ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमसे चाहने वाले जिससे हम चाहते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं जिसको हम अपना फैन कहना चाहते हैं वो अगर हमें बुलाकर जगह दे बाजू बिठाए मुलाकात करें मुस्कुरा कर बात करें तो हमारे दिलों की क्या कैफियत होती है और यहाँ पर देखिए ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि वो औलिया होंगे अल्लाह के जिन्हें ना खौफ होगा ना कोई गम होगा वो लोग होंगे जो कि अहले ईमान होंगे अहले तखबा वाले होंगे हज़रा सामीन वैसे वक्त में अल्लाह के अरश का साया मिल जाना ये कितनी बड़ी बात है उस कैफियत को सामने लाइए उस मंजर को सामने लाइए और सोच कर देखिए ऐसी कैफियत में इंसान के साथ एक ख़ुसूसी मामला हो रहा है तो कितनी खुश नसीबी और खुशबकी की बात है मुहदस अलामा अबू शामा अब्दुलरहमान बिन इसमाइल इस हदीस को एक शेर में पेश करते फ़रमाते हैं वाल नबीयुलमुतफ़ा इन नसब आता युज़ुल्हल्लाकरीम बिविल महब्बन आफ़ीफन मुत्द्दन वबैकन मुसलिन वमाम मुख्तसर अंदाज़ में उन्होंने शेर को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया अरबी में कहते हैं अल्लाह के नबी मुस्तफ़ा फ़रमाते हैं कि सात लोग हैं वो मोहब्बत करने वाले वह वाले अपनी अपनी इज्जत की हिफाज़त करने वाले सदक़ा करने वाले जिनकी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुज़र रही है अल्लाह को याद करके रोने वाले नमाज पढ़ने वाले और इंसाफ़ करने वाला इमाम हज़रा सामीन यहाँ पर जो ज़िल कल इस्तेमाल हुआ है युमजिल्ही अल्लाह का साआ इससे क्या मुराद है इमाम अबिनजर र्ला शार बुखारी फरमाते हैं कि यहाँ पर साय से मुराद जैसे कि एक और हदीस में आया है कि के नबी अलैहि फ फरमाते हैं कुल उमर इम फिजिलदती नास हर आदमी अपने सदक़े के सा में होगा अपना सदक़ा उसको साया कर रहा होगा जैसा कि एक और हदीस में है कि सुर बकर आमरान कल ख़्यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शिफ़ात के लिए इस शक्ल में आएँगे कहा नहमा गमा मतान गोया कि वो बदलियाँ हैं बादल के टुकड़े हैं साया करेंगे अपने पढ़ने वों के ऊपर शिफात करेंगे इन लोगों की तो इसी तरह हदीस में कहा गया कि ये सदक़ा उनको साया कर रहा होगा यहां तक कि लोगों के दरम्यान फैसला हो जाए एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है हसन रिवायत है यह सब फी जिल्ल आरश ही अल्लाह ताली उन्हें अपने अरश के सय में जगाता फरमाएगा तो पता चला यहाँ मुराद जिल ही यानी कि अल्लाह के साय से मुराद ये खसूसी शर्फ है जैसा कि काबतुल्ला कहते हैं अल्लाह का काबा अल्लाह की मस्जिद बैतुल्लाह अल्लाह का घर कहते हैं यानी कि इज्जत और शराफत को बुलंद करने के लिए तो यहाँ पर भी ज़िल्लू यानी कि अल्लाह का साया यानी कि उनके आमाल के हिसाब से अर्श का साया भी हो सकता है उनके आमाल के हिसाब से सदक़े का साया भी हो सकता है कुरान का साया भी हो सकता है हज़रा सामीन इस तफ़ी को बयान करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ पहले शख्स जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल वसम फरमाते हैं कि अल इमाम आदिल बदल ही कि वो शख्स वो शख्स वो इमाम वो ज़िम्मेदार आदमी जो कि इंसाफ़ करने वाला है वो इंसाफ़ परवर बादशाह जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अरश के साय में जगाता करेंगे क्यों इस वजह से कि इंसानों में अल्लाह ने इंसानों को यहाँ पर एक दूसरे का ज़िम्मेदार बनाकर भेजा है एक दूसरे की ज़िम्मेदारी दी है कुरान ने कहता है कि इंसान को हमने खलीफा बनाया और अल्लाह रबालीन फरमाते हैं कि ज़मीन पर अदलानसाफ़ अल्लाह का क़ानून है इसको नाफिज करना है इस कानून को नाफिज करने वाला लोगों के दरमियान इंसाफ को फैलाने वाला ये दरअसल अल्लाह का नायब होता है अल्लाह के हुक्म को फैलाने वाला होता है जिस हुक्म पर के सारी कायनात जो है क़ायम है कुरान में ईसर रहमान में कहा वज़ा मीज़ान अल्लातूफ़ाल्मीज़ान अल्लाह ने मीज़ान को कायम किया ताकि तुम मीज़ान में नासाफ़ी ना करो किसी को बड़ा किसी को छोटा ना करो किसी को गिरोह मत हर एक को उसका हक़ दो इंसाफ दो इंसाफ का मकाम है क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं वतमत तो इंसाफ का से है जो बंदा इस इंसाफ को कायम करता है अल्लाह तहबत करता है और सिर्फ जरूरी नहीं कि यहां पर सिर्फ इमाम आदिल हो शार ने खासतौर पर शार बुखारी ने फरमाया कि यहाँ पर इमाम आदिल से मतलब सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि इस कैटेगरी के अंदर बहुत से वो लोग भी आ जाते हैं जिन्हें किसी भी किस्म की जिम्मेदारी दी जाती है उसके लिए उन्होंने दलील के तौर तो पर उस हदीस को पेश किया जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि इस हदीस को तिर्मिण, इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है किनमुखी यकीनन इंसाफ करने वाले अल्लाह के पास उनका मकाम यह होगा कि अल्लाह के दाएं जानिब ये लोग मेंबरों पर होंगे नूर के मेंबरों पर होंगे नूर के मीनारों पर होंगे रोशनी के मीनारों पर होंगे क्यों इसलिए कि लोग इंसाफ करते हैं अपने हुकूमत में अपने फैसलों में अपने हुकूमतों में और उस अपने घर वालों में और उस चीज़ में वमागुलूँ जिसकी ने ज़िम्मेदारी दी जाए तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बादशाह ही हो बल्कि हर लेवल पर जो भी इंसान किसी जगह का जिम्मेदार है एक जमात जा रही है चार में से एक आदमी अमीर बन चुका है तो वो भी इमाम बन गया वहां पर घर है तो बड़ा आदमी घर का उसका इमाम हो गया खानदान है तो खानदान का बड़ा आदमी इमाम हो गया पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं तो आप वहां के इमाम बन चुके हैं आपका कॉलेज है आप उसके प्रिंसिपल है उसका डायरेक्टर है तो आप वहां के इमाम हैं तो आप अगर इंसाफ के साथ लोगों के साथ बर्ताव करते हैं तो ये अल्लाह के पास आपका मामला ये होगा कि अल्लाह साथ जो इंसाफ का मामला को कबूल करते हुए अपने अर्श के साय में जगाता फरमाएंगे हजरात सामीन ये इंसाफ के सिलसिले में खास तौर पर मैं यहां पर अपने लाइफ से मुतल बात करना चाहता हूँ यानी कि हमारा ताल्ल्क खासतौर तो अपने घरेलू जिंदगी से है घरेलू जिंदगी के सिलसिले में अल्लाह के नबी वसलम की क्या तालीमत है आप वसल्लम के सामने वाक़ पेश आता है नोमान बिन बशीर की वालदा अगर कहती हैं कि मेरे मेरे शोहर ने मेरे बेटे को गुलाम दिया है मैं आपको गवाह बनाना चाहती हूँ तो पूछते हैं नौमान बिन बशीर के वाला से नबी सल्हलम क्या इसके बाप ने इस तरह का गुलाम किसी और को भी दिया है तोहफे में तो कहा नहीं दिया तो कहा कि इंसाफ करो अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो ई दिलू भाई ना औलाद अपने औलाद के दरमियान इंसाफ करो क्योंकि इस सिलसिले सवाल किया जाएगा अपने औलाद के हक़ में भी जिसे हम फरामोश कर देते हैं एक बेटा अच्छा काम करने वाला होता है तो उससे मोहब्बत हमें ज्यादा होने लगती है और एक बेटा बात नहीं सुनता है तो उससे नफरत करने लगते हैं और ये मोहब्बत नफरत का मामला इतना बढ़ जाता है जब बड़े हो जाते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं जब मामला विरासत का आ जाता है तो जो जो बच्चे के घर में आप रह रहे हैं हम रह रहे हैं मामला ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे विरासत का हिस्सा ज़्यादा बच्चे को दे दें और एक बच्चे को महरूम कर दे या ऐसा करते हैं कि बेटी को दे दे बेटे को महरूम कर दे बेटे को दे दे बेटी को महरूम कर दे कुरान कहता है वसीयत मिन अल्लाह मीराज के मामला को बयान करते हुए कुरान कहता है ये अल्लाह के जानिब से वसीयत है इसको तुम बजा लाना है जैसा अल्लाह ने फैसला किया है जिसका जो हिस्सा मुकर किया है वो देना आप पर ज़रूरी है आप ये नहीं कह सकते ये माल मेरा है ये मेरी मर्जी है नहीं अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है लिहाजा अल्लाह का फैसला भी तुम्हारे माल में चलेगा जिस तरह तुम्हें अपने माल में से जक़ात निकालना ज़रूरी है फ़र्ज़ है इसी तरह अपनी विरासत के सिलसिले में सही फ़ैसला करना सही हक़ जितना कुरान दे रहा है उतना इंसाफ के साथ देना जरूरी है वरना कुरान कहता है दिल का हदूद ये अल्लाह के हदूद है और जो अल्लाह ताला के हदूद को पार करेगा उसको जो है फलंग लगाएगा उसको जो है फरामोश करेगा तो अल्लाह ताला, ताला उसके लिए जहन्नम की आग को तैयार कर रखा है हजरात सामीन ख़ासतौर पर हम में से जो बड़े लोग हैं या हमारे घर में जो बड़े लोग हैं उनको बताना चाहिए कि ये मामला कोई आसान नहीं है आप अल्लाह को चेहरा दिखाने जा रहे हैं अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो आपकी पूछ अल्लाह के पास होगी ये बताना जरूरी होता है हजरात समीन इसी तरह इसी तरह हमारे बहुत से नौजवानों के अंदर या बहुत से बड़े आदमियों के अंदर ये आज बहुत बढ़ती चली जा रही है और अच्छी बात है एक से ज़्यादा निकाह करना तो निकाह करना बड़े हम सुन्नत समझते हैं और कुरान का ये हुक्म है कि फन के मातबाला

इंसाफ का मामला इतनी हद तक पहुंच चुका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि सलील वस्तरे मरक पर हैं तकलीफ में मुबतला हैं वक्त करीब होते जा रहा है वक्त राहील जाने का वक्त दुनिया से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बीवी उम्मुल मोमिनीन आयशा अन्हा के पास जाना चाहते हैं लेकिन इंसाफ के ज़्यादे से इंसाफ के रास्ते से हटना तैयार नहीं है पूछ रहे हैं बार बार कि आयशा की बारी कब है दिन मुकर्र थे आपके पास एक दिन ये दिन ये दिन ये दिन सबके दरमियान इंसाफ था आप का सोच सकते हैं। आप दिनों की बारी है हालांकि देखो कौन है नबी है यहाँ पर और आखिरी वक्त है उसके बावजूद अपने बीवियों से इजाज़त मांग रहे हैं मैं आयशा के पास जाना चाहता हूँ बीवी कहते हैं आपके अजवाज कहते हैं अल्लाह के नबी वम अगर आपको वहाँ जाना पसंद है तो हम कैसे आपको इतराज़ कर सकते हैं आप जिसपे खुश हैं उस पर खुश हैं हजरात सामिन ये थी आप की सुन्नत और हमारा क्या मामला है हम सुनत नबी का हवाला देते हैं एक से कर सकते हैं भाई हाँ कर सकते हैं लेकिन उतना इंसाफ भी तो करना जरूरी है सवाल होगा कुरान कहता है कि तुम एक को इतना सहारा ना दो और एक साथ छोड़ दो कल लटकी भी तरह छोड़ दो ना दो ऐसे कितने मामला हैं कि हम शादी कर लेते हैं दूसरी कर लेते हैं तो पहली को भूल जाते हैं लटका कर छोड़ देते हैं ना उसे तलाक देते हैं ना उसे खुला लेने देते हैं बल्कि लटका कर छोड़ देते हैं ये कुरान कहता है कि कल मा की तरह मत छोड़ो सवाल होगा आपका अल्लाह के पास हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐसा शख्स जो इंसाफ नहीं करता ये एक तरफ झुक जाता है तो कल ख़्यामत के दिन इस हालत में आएगा कि उसका जिसम का एक हिस्सा झुका हुआ रहेगा बल्कि उसका एक जिसम का एक हिस्सा फालिद ज़दा होगा क्यों इसलिए कि दुनिया में एक हिस्सा उसका झुक चुका था एक तरफ हजरा सामी ने इंसाफ के इंसाफ के मामले को सामने रखना बहुत ज़रूरी है यह रहा अपने घरेलू पैमाने पर मैं कह रहा हूँ और इंसाफ से हटकर और बड़े पैमाने पर शेख उम इम इबन तइम का मशहूर खौल है दुनिया के हर वक्त ये फिट हो सकता है शेख उम इत फरमाते हैं कि इन नकूमत आदिला मनसूरत वलोकानत काफिर इंसाफ करने वाली हुकूमत उसकी हिफाजत होती है उसकी मदद होती है गर्चे के वो काफिर ही क्यों ना हो व इन नकूमत ालिमा मखजूलत वलोकानत मुस्लिम और इंसाफ नहीं करने वाली करने वाली हुकूमत उसकी मदद नहीं की जाती उसकी तोफ़ी नहीं दी जाती उसकी रहनुमाई नहीं की जाती वो आगे नहीं बढ़ सकती पिनप नहीं सकती खर्चे को मुसलमान ही क्यों ना हो आज आप देख सकते हैं तारीख को उठाकर देख लीजिए कितने जालिम कौम आए कितने जालिम बादशाह आए और सफेस्ती से मिट गए आज उन्हें कोई याद नहीं करता और कितने इंसाफ़ पर ऐसे बादशाह आए चाहे वो मुसलमान हो के गैर मुसलमान आज भी उनके नमा नामे हमारे जबानों पर होते हैं ये मामला छोटे पैमाने पर हो बड़े पैमाने पर ये बहुत अहमियत रखता है छोटे से छोटी चीज़ों के अंदर इंसाफ की चीज़ों को रखना चाहिए ऐसे भी कितने मिसालें हैं एक से बीबिया रखने वालों की हमारे सामने कि अगर कोई चीज लाते हैं घर को अल्लाह ने उन्हें नवाजा है मिसाल के तौर पर छोटी सी चीज वाटर मेलन तरबूज भी लाते हैं तो आधा इन्हें काट के देते हैं आधा इन्हें काट कर देते हैं अगर बड़ा 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 नवाजा आलमीन ने एक बंडी इनको देते हैं एक बंडी इनको देते हैं ये बहुत बड़ी बात है होना चाहिए इंसाफ का मामला इतना ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अल्लाह के पास इसके बारे में सवाल होगा हजरात सामिन मैं बात को आगे बढ़ाता हूं दूसरा शख्स जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बंदा जिसकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरे खास तौर पर जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे आपको जानना चाहिए जवानी का यह अरसा जवानी का यह वक्त अल्लाह के पास बहुत अहमियत रखता है जैसा कि हदीस के अंदर आता है कि तुम्हारा माल जो है खर्च किया जाना उस हाल में जबकि तुम गनी हो मालदार हो और तुम जो है ताकतवर हो तुम जो जवान हो तुम्हारे ख्वाहिशात भी हैं और साथ में तुम उस माल के जरा हरीस हो ऐसे वक्त में तुम्हारा माल का खर्च किया जाना अल्लाह को उससे ज़्यादा बहुत पसंद है जब तुम जो है आखिर वक्त में कहने लग जाओ कि हाजा लिहाजा हाद, ये उसको ये उसको ये उसको कहने लग जाओ और वक्त वो है कि ये उसका ये उसका हो चुका है अब कहने से कोई फायदा नहीं है ये उन लोगों का बन चुका है तो जवानी की इबादतें जवानी में खर्च किया जाने वाला माल अल्लाह के पास बहुत अहमियत रखता है हजरात सामीन और यहां पर इबादत का लफ्ज़ कुरान ने हदीस ने इस्तेमाल किया क्यों इसलिए इसलिए कि आप जानते हो आया जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वमा जिन्न वल इंस इल्ला वबुदून मैंने जिन्नात को और इंसानों को मेरी इबादत के लिए पैदा किया तो अल्लाह की इबादत ये मकसद हयात है ये जिंदगी है इसको समझने की जरूरत है जब इंसान इस मकसद को समझ जाएगा मकसद को तो पहचान लेगा तो उसकी जिंदगी कामयाब हो सकती है उसकी जिंदगी इबादत में गुजर सकती है के वो जरूरी नहीं कि नमाज नमाज का नमास में हाजिर रहना ही इबादत हो नमाज में हाजिर होने के बावजूद वो दिन भर अपनी मशगुलियात में रहते हुए भी इबादत में रहेगा उसका दिन में चलना फिरना उसके घर वालों के काम आना हदीस में तो यह आता है कि तुम एक लुखमा अपनी बीवी को खिलाते हो लुखमा खिलाना एक लुखमा एक निवाला खिलाना जिसमें एक तो खुद आपकी ख्वाहिश नफ्स होती है जिसमें आपको खुद मजा आता है फिर साथ साथ में आप खुद अपने घर वालों का काम कर रहे हैं मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं लेकिन हदीस कहती है कि यह भी सदखा है इस पर भी तुम्हें सवाब है सोच सकते हैं तो जिंदगी का तमाम के तमाम आमाल आपकी उठना आपका बैठना आपका कारोबार करना आपका नौकरी करना आपका चलना फिरना अगर आप मकसद को समझ जाते हैं मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं आपको कल यौम मशर में जवाब देने का सोचते हुए जिंदगी गुजारते हैं तो आपका हर चीज़ आपकी इबादत बन जाती है क्यों आपने मकसद को समझ लिया ने सुर आलमरान की आयतों पर यह आखिरी रूकू की जिसमें अल्लाह के अल्लाह तरमाते हैं कि यकीन नशानियाँ हैं आसमानों ज़मीन की तखलीक में लहलो नहार के आने जाने में अखलमंदों के लिए वो लोग जो कि अल्लाह को याद करते हैं सुबह शाम उठ कर बैठ कर लेट कर और आसमान ज़मीन की तख्लीक पर गौर व फिक्र करते हैं और कहते हैं कि रोबना मा खल तदाबा तला की इस आयत की तफसीर के अंदर कि रोबना मा खल तहादा बा तिला ए हमारे रब तूने इस चीज को इस मखलूकत को जो है बेकार बेमकसद पैदा नहीं किया सुबह जात पाक है क्योंकि जात जो है बेमकसद नहीं हो सकती जो तू कर रहा है वो मकसद के तहत कर रहा है और ये लोग जो गौर वफिक मकसद को पहचानते हैं सुबह शाम के इस लैलो नहार के आने जाने को पहचानते हैं और समझते हैं कि मेरा मकसद क्या है जब मकसद को आप पहचान लेंगे तो आपकी हर चीज कामयाबी से गुजर सकती है छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ फुटबॉल फील्ड को आप देखे होंगे अगर आप वहां से गोल को हटा दे गोल की जो होता है पोल्स को हटा दे या उसको जो है तस्वीर से हटा कर देखें और भागने वालों को देखें देखे के पीछे भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे है। आप क्या समझेंगे यही समझेंगे दिमाने हो गए कोई लेके वहां भाग रहा कोई लेके यहां भाग रहा कोई आगे जा रहा कोई पीछे जा रहा वही आप अगर गोल को रखकर गोल के पिलर्स को रखकर अगर सोचेंगे वहां पर तो आपको समझ में आएगा हाँ ये भाग रहा है तो वहां पर क्यों भाग रहा है ये वहां से लेकर आया तो क्यों लेकर आ रहा है तो इसी तरह आप अगर अपने मकसद को पहचानेंगे मकसद के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका उठना बैठना आपका चलना फिर तारी की सारी इबादत है आपकी शर्त है कि आप मकसद को पहचानें और मकसद खुद कुरान पेश करता है कि मकसद ये इबादत है अल्लाह की इबादत ये मकसद है अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना ये अल्लाह का मकसद है इस तखली कायनात का कि तुम्हें अल्लाह के पास जो जवाब देना है अल्लाह ताला देखना चाहता है कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है कौन बुरेमल करने वाला है ये मकसद ज़िंदगी है जैसा कि खुद एक मिसाल देते फर्म कहता हूँ मैं हज़रत उमर रज़ी जब शाम को जा रहे थे मुल्क शाम को जा रहे थे जब आपको खबर मिलती है कि वहाँ पर जो है ताउन की बीमारी फैल चुकी है प्लेट फैल चुकी है अब सोचते हैं खलीफा वक्त हैं जाना ज़रूरी था वहाँ पर साहबा से जो है मशवरा लेते हैं बादसाहबा कहते हैं नहीं अब जब निकल चुके हैं तो अंदर जाना चाहिए बादसाहबा कहते हैं नहीं पलट कर चले जाएँगे तो वहाँ पर साहब रसूल हदीस को पेश कर देते हैं जिसके अंदर अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि किसी जगह पर अगर मोहलिक बीमारी हो खत्म करने वाली जानलेवा बीमारी हो फैलने वाली बीमारी हो मतदी बीमारी हो खासतौर पर ताउन वगैरह तो अगर आप शहर के अंदर है तो बाहर नहीं निकल सकते आपको वहीं पर रह कर सबर करना होगा मुमकिन है तो अल्लाह ताला आपको शिफा दे देगा मुमकिन है तो अल्लाह ताला आपको बुला लेगा आप बाहर निकल नहीं सकते किसी कई हिमत है जब आप बाहर निकलेंगे तो आप बीमारी को लेकर बाहर निकलेंगे और अगर आप बाहर हैं आपको पता चल चुका है तो आप अंदर नहीं आ सकते क्योंकि आपको जब मालूम है वहाँ पर लोग मर रहे हैं तो आपको जाने का हक नहीं है अपनी जान को ख़तरे में डालने का यहदीस जब आपके सामने पेश की जाती है हजरत उम्र कहते हैं तो फिर अल्लाह के नबी से हुक्कूम के मुताबिक मैं पलट कर जाता हूँ तो आपको जो ललकारते हैं साहब रसूल अबू उबैदा बिन जर्रा अय उमर अफ़िर खद्र उमर भाग रहे हो अल्लाह के फैसले से डर के भाग रहे हो तो देखिए उमर क्या जवाब दे, जवाब देते हैं हाँ आए अमीन उम्मत अमीन उम्मन उम्मत अफ़रारम बिन इला फिर मिन खद्र भाग रहा हूं अल्लाह के फैसले से अल्लाह के फैसले के जानब यानी कि उनका आना भी इबादत है उनका आना भी अल्लाह के फैसले से जाना भी अल्लाह के फैसले से जिंदगी तो कटनी वाली है अगर आप अपने मकसद को सामने रखकर जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपकी जिंदगी आपकी इबादत बन जाएगी आपका चलना फिरना आपका पढ़ना आपका बल्कि खेल कूद आपकी तफरी के आते जिसम को जो थकाना ये सोचते हुए कि अगर मैं जिसम मेरा तंदरुस्त रहेगा तो कल मैं मोमिनों के काम आऊँगा अहिल इस्लाम के लिए काम आऊंगा तो तुम्हारी वर्जिश तुम्हारा चलना फिरना ये भी तुम्हारे लिए इबादत का सामान है हजरत शामिल इस बात को रखते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अल्लाह के नबी शाह तीसरे शख्स का जिक्र करते हुए फरमाया कि वलबन फिल मसाजिद और तीसरा शख्स वो है जिसका दिल मस्जिदों से लगा हुआ रहता है मस्जिदों से जुड़ा हुआ रहता है रिवायत में है कि इस तरह जुड़ा हुआ रहता है कि जब मस्जिद से निकल जाता है तो फिर फिक्र लगी रहती है कि फिर कब मस्जिद को जाऊँ फिर कब बैठूँ और हमारी ये कैफियत होती है कि जब मस्जिद में चले जाते हैं तो फिर कब बाहर निकलूँ इंतज़ार होता है सलाम फेरते ही जल्दी उठकर भागने की फिक्र कुछ नहीं पीछे खड़े गए नवाफिर पढ़ने के लिए या कोई जो मजबूत खड़े हो गए तो सर पकड़ लेते और उसकी जान पर खड़े हो जाते हैं भाई जल्दी सलाम फेर तो मैं बाहर निकलूंगा ये हो हमारा मामला हालांकि में तो मामला ये बताया गया ऐसे शख्स के बारे में कि ये तो निफा की अलामत है कि मोमिन मस्जिद के बाहर होता है तो उसका दिल तड़प रहा होता है जैसा कि मछली तड़पती है कब मस्जिद में जाऊं अल्लाह के पास जाकर मुझे सुकून मिले खरार मिले और मुनाफिक जब मस्जिद में आता है तो उसका दिल तड़प रहा होता है जरा अपनी अपनी कैफियतों का दिलों की कैफियतों का जायजा ले कि हमारा दिल मस्जिद में हमें सुकून मिल रहा है या हमें बाहर सुकून मिल रहा है अगर मस्जिद में सुकून मिल रहा है तो हमारे ईमान की अलामत है या हमारा दिल अल्लाह से जुड़ने की अलामत है और ऐसे लोगों की अलामतों के बारे में ऐसे लोगों की खूबी को बयान करते कुरान उनकी ईमान की शहादत देता है फ़रमाता है कि इन नमा अमरू मसाजिदा मन वल आखिर कि अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने वाले वो लोग हैं जो कि नमाज को क़ायम करते हैं शहादत दे रहा है कुरान आपके ईमान की आपके नमाजों के क़ायम करने की आपका जक़ात देने की और आपके दिलों में मौजूद अल्लाह के खौफ की और कुरान की दूसरी आसू में कुरान कहता है

और कैसे ही ला वला ना उन्हें कोई तजारतफिल कर सकती के जिक्र से, ना जो है नमाज को कायम करने से वह इताज़का जक़त को देने से ना कोई बे बेशरा दुनियावी मामला कोई चीज उन्हें गाफिल नहीं कर सकती बल्कि वो डरते होते हैं यह खाफू नौमन तखल्लबील खलूब वो डर रहे होते हैं उस दिन के बारे में सोच कर जिसके दिल जिस वक्त

दो खौफ को जमा नहीं करूँगा और ना ही दो अमन को जमा करूंगा दो सुकून को फरमाया क्या बात है कहा दो खौफ जो आदमी दुनिया में बे होकर जिंदगी गुजार लिया तो ये हो नहीं सकता कि वो जो है बे आखिरत के वक्त में रहे जिस बंदे को दुनिया में खौफ लायक रहा आखिरत के सिलसिले में मैं उसे जो है अल्लाह तरमाते मैं उसे खेमत के दिन में खौफ में मुबला नहीं करूँगा। वही आयत कहती अल्लाह खौफन आगा रहो अल्लाह के अलिया को अल्लाह के नेक बंदों को वलियों को ना खौफ होगा ना गम होगा हजरा सामीन दो खौफ अल्लाह तला जमा नहीं करेगा जो दुनिया में बेखौफ जिंदगी होकर जिंदगी गुजारेगा तो दुनिया में ये जिंदगी बेखौफी की जिंदगी उसे वहां पर खौफ मुबतला कर देगी और परेशान हो जाएगा जिस दिल जिस शख्स के दिल में खौफ होगा यहाँ पर वह खौफ उसे आखिरत में कामयाबी देगा अल्लाह तरमाते हैं कि अल्लाह के खौफ़ से वही लोग मतमिन हो सकते हैं अल्लाह के अजाब से वही लोग मुतमिन हो सकते हैं जो कि खसारे में पढ़ने वाले हैं अब अपने आप को हम बेखौफ़ करना है या खौफ के साथ रखना है वाकई में जो बेखौफ़ होता है हकीकत व बेूफ़ होता है अपने आप को खौफ से अलग कर लेने वाला दरअसल अपने मक़सद को भूल जाता है और दूसरे अफाज़ में उसके न, न, सही लफ्स उसके लिए बेवूफ़ का ही है हज़रा सामीन में बात को आगे बढ़ाता हूँ जिसमें अल्लाह ताली के नबी सल्लम फ़रमाते हैं कि वरजुल्बाफिल्लाजमा अलह और दो बंदे ऐसे हैं जिनके उठने बैठने जिनके मिलने जुलने की बुनियाद ही अल्लाह की मोहब्बत है अल्लाह के लिए एक दूसरे से दोस्ती करते हैं अल्लाह के लिए एक दूसरे से मिलते हैं जब इनका मिलना जुलना होता है उठना बैठना होता है ये भी इबादत है अल्लाह के पास मशहूर हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक शख्स अपने दोस्त से मिलने के लिए एक शहर को जा रहा था जब जा रहा था तो रास्ते में जो है एक फरिश्ता से मिलता है इंसान की शक्ल और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई बताया कि मैं फलाम दोस्त से मिलने जा रहा हूँ क्यों मिलने जा रहे हो क्या बात है का, कोई दुनिया मकसद नहीं बोलिए मैं अल्लाह से मोहब्बत के बिना पर उससे मोहब्बत कर, तो कर रहा हूं तो फरिश्ता कहता है उस शख्स के पास फरिश्ता जाकर उससे पूछता है कि तुम्हारे फला दोस्त है तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं हाँ तोल्लु है तो कहा अल्लाह से मोहब्बत है अल्लाह से मोहब्बत की बिना पर हमारी दोस्ती है तो कहा तुम्हारी इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह तुम्हारे मफरत का ऐलान करता है अल्लाह के अल्लाह के नबी वसम फरमाते हैं मन अहबल्ला व अब गज़ल व आ व मन आलिल्ला फ़क़ इस तकबल ईमान जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की अल्लाह के लिए नफरत की अल्लाह के लिए किसी को दिया तो अल्लाह के लिए किसी को महरूम कर दिया तो उसने ईमान के तफाों को मुकम्मल कर दिया ईमान उसका कामिल हो गया हज़रा सामीन इसी तरह अल्लाह के नबी नबीसम फरमाते हैं कि ये दोस्ती खुद अल्लाह ताली फरमाते हैं कि दोस्तियाँ यहाँ पर जो दुनिया में हैं ऐसे दोस्तियाँ कल क़्यामत के दिन एक दूसरे को देख भाग रहे होंगे खुद जैसे खुद आय थे कि इंसान अपने माँ बाप को देख भाग रहा होगा अपने भाई बहन को देख के भाग रहा होगा इसके मुकाबले में जिनकी दोस्ती की बुनियाद तखबे पर होगी एक दूसरे की असलाह की बुनियाद होगी खुद सुधरना आगे वाले को सुधारना मुझे ये बात मालूम हुई है दिन की ये बात मुझे पहुँची है मेरी कोशिश यह होनी चाहिए कि मेरे दोस्त के अंदर भी वो चीज़ आ जाए इस तरह अगर ये दोस्ती का यह मेयार अगर होता है तो ऐसे दोस्तों के बारे में कुरान कहता है कि अल मुत्तकीन के उस दिन पक्के दोस्त अलअल्ला लफ्ज कहते हैं अल प्लूरल है खलील का खलील का माना क्या है ऐसी मोहब्बत ऐसी दोस्ती जो तो कि दिल में उतर चुकी है खलील रहमान जैसा कि हज़रत इब्राहिम का लखब है यानी कि इब्राहिम अल्लाह के खलील हैं इतने चाहने वाले हैं कि मोहब्बत दिल में उतर चुकी है टोटली तो अंदर तक तो अलअल्ला पक्के दोस्तों का आलम यह होगा कि ये दूसरे एक दूसरे से दुश्मन बने रहेंगे सिवाय के सिवाय परहेजगारों के हज़रा सामीन दुनिया में दो ही कस्म के लोग हो सकते हैं या तो तासीर लेने वाले असर लेने वाले या असर डालने वाले या तो आप जो है तासीर कबूल करेंगे या किसी और पर तासीर डालेंगे तसुर होगा तो तासीर होगी अगर आप समझते हैं कि मैं जो है उससे दोस्ती तो कर रहा हूँ वो बुरा है अपनी जगह वो फ़लाँ काम करता है वो नमाजें नहीं पढ़ता वो पिक्चर देखता है वो फिल्म देखता है वो गलत चीज़ें देखता है गंदे काम करता है गंदे बातें करता है और सिगरेट पीता है वो फ़लाह करता है नशा करता है उससे उसकी अपनी जगह मे से उसकी दोस्ती है मेरा कॉलेज का फ्रेंड है मेरा जो है रूममेट है वो अपनी जगह जो भी हो मैं अपनी जगह हूं दोस्ती हमारी है बस अगर ये बात अगर कहते हैं बात नहीं हो सकती ऐसा क्यादीश के अंदर है कि दोस्त की मिसाल दो किस्म की या तो वह अतार की मिसाल या अल्लाह के मिसम या फिर हद्दात की मिसाल अतार यानी कि इत्र बेचने वाला इत्र बेचने वाले से आप दोस्ती करोगे तो कम से कम आप उसके पास इत्र नहीं खरीदोगे तो कम से कम जब तक बैठ के बात करोगे तो तुम्हारे कपड़ों में खुशबू आ जाएगी और वही आप लोहा से दोस्ती करेंगे तो कम से कम वो आपके कपड़ों को तो जलाएगा नहीं दुश्मनी से नफरत से लेकिन जब तक वहां बैठ के रहोगे तो उसकी जो धुआं आपको कपड़ों को लगेगा अंगार उड़ के आपके कपड़ों पर गिरेगी और नतीजे में आपके कपड़े खराब होंगे आपके कपड़ों में बदबू आएगी इसी तरह ये खुली मिसाल है हमारे जिंदगियों के अंदर दोस्तों के मुतालिक हम किस किस्म के लोगों से दोस्ती कर रहे हैं अगर हम बुरा नहीं कर रहे हैं तो कम अज कम उसके साथ रहने की वजह से या तो हमारा ईमान कमजोर हो जाएगा या फिर हमारा कैरेक्टर खराब हो जाएगा कम अज कम माशरे के अंदर सोसाइटी के अंदर आपका नाम अच्छा नहीं होगा अरे फला के साथ रहता है अच्छा आदमी नहीं भाई सही आदमी नहीं भाई वहां दिखता यहाँ दिखता सामीन तो दोस्ती का मैार क्या होना चाहिए फिल्ला होना चाहिए ऐसे लोगों के बारे में हदीस कहती है।, के ताला हैं के के ताला फी जलाली। है मेरे जलाल मेरी अजमत की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले के मैं आज उन्हें साया दूंगा जिस दिन के मेरे किसी और का सा नसीब होने वाला नहीं है और अल्लाह के नबीम फरमाते हैं खियामा के अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले अल्लाह के दिन के लिए मोहब्बत करने वालों का ये आलम होगा ख्यामत के दिन कि उन्हें अल्लाह रब्लम रोशन रोशनी के मीनार अता फरमाएंगे जैसा कि पहले हदीस में भी कहा मैंने इमाम आदिल के सिलसिले में यहाँ भी रोशनी की मीनार होंगे हो सोच कर दिए कि तस्वुर को सामने लाकर खयामत के वक्त को सामने लाकर कैसा आलम होगा और ऐसे वक्त में सलूक ये हो रहा है कि आपको जो रोशनी के मीनारों पर ऊंचाइयाँ दी जा रही है बुलंदियाँ दी जा रही है जिसे देख कर हदीस कहती है किबी शुहदा अल्लाह अकबर अम्बिया अं� शुहदा क्या मुकाम है अम्बिया का क्या मुकाम है शुहदा का वो आप पर रश्क कर रहे हैं वो आपको देख के बोल रहे हैं अरे वाह क्या मकाम है इन लोगों का और मामला क्या है छोटा सा मामला है दोस्ती कर रहे हैं आप जो कि दुनियावी जरूरत है लेकिन आप दोस्ती कर रहे हैं किस लिए कि इम को सीखने के लिए इम सिखाने के लिए दिन को सीखने के लिए दिन को फैलाने के लिए अल्लाह के खातिर अल्लाह की मोहब्बत में दोस्ती करे तो ये मकाम कि अम्बिया व शुहदा आपके आपके मकाम पर ख्यामत रश्क करने वाले हैं रश्क करने का मतलब क्या जानते हैं देख के हसद करना अरे वाह क्या मक़ाम है काश हमारा भी मक़ाम होता हालांकि अंबिया का मक़ाम उससे बड़ा है लेकिन उसके बावजूद भी देखिए क्या अंबिया उन पर रश करेंगे हजरत सामीन इसी तरह अल्लाह अल्ला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँच पे जो जिक्र किया है इमरातन ज़ातमन सभीीन व जमायलिन वह औरत जो कि मालदार भी है और ख़ूबसूरत भी है दो चीज़ें जमा हैं और वह गुनाह की जानब दावत दे रही है और नौजवानी नौजवानी के इस वक्त में इंसान जो है अपने आप के काबू में नहीं रहता ऐसे वक्त हर चीज मैसर होने के बावजूद अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास रखते हुए इंसान अपने आप को रोकता है जरूरी नहीं कि जो है यहां पर हदीस के मुताबिक उस हद तक ही चले जाना कि भाई मैं तो उस हद तक नहीं जा रहा हूं भाई कुछ भी नहीं कर रहे भाई क्या बोलते हम लोग कुछ भी नहीं करें खाली बात कर रहे हैं हाँ खाली फिरने गए थे भाई कुछ भी नहीं करें खाली खा के आ गए यही बोलते हैं ना हम लोग तो देखिए हदीस क्या कहती है आपका ताल्लुक किसी नाम से बातचीत कहां करेंगे आप देख नहीं सकते उसको कुरान का हुक्म हुक्म है हुकुम है यह जिसको मानना जरूरी है फर्ज है कि आंखों को नीचे रखो और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो अगर आप अपनी आंखों की हिफाजत करेंगे अपने शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे तो आपको आंखों में नूर मिलेगा सोचिए आप उस आंख से गुनाह कर रहे हैं उस आंख से गलत चीजों को देख रहे हैं ना महरमों को देख रहे हैं और उसी आंख से तमन्ना रख रहे हैं कि कल अल्लाह रबालमिन अपने दीदार से नवाजे हो सकता है ये मुखा मिल सकता है आपको अल्लाह के पास या छोड़िए कि आप अपने आँखों को उसबिल समझते लायक समझते उतने गुनाह की चीज़ें देखने के बाद फ़ाहश देखने के बाद कि अल्लाह रबालम उस चीज़ से नवाजे मुमकिन है, है। जरा शामिल कैसे हो सकता है सिर्फ यही नहीं हादीस का मतलब सिर्फ यहाँ तो मत रखिए कि औरत बुलाई तो हम जवाब नहीं देना है बल्कि हमें भी आगे नहीं बढ़ना है हमें भी आगे नहीं बढ़ना है आपको चीज़ पसंद आती है तो उसके लिए शरीय ने रास्ता बताया है अपना एक तरीका है रास्ता है उस रास्ते से जाइए उस रास्ते से आगे बढ़िए गैर जरूरी चीज़ों में मत पड़िए कल जवाब देना है आपको अपने जिंदगी के लम्हे लम्हे का जवाब देना है आपको पूछ हो गया आपकी जिस तरह आपकी बहन की आपके घर वालों की इज्जत तो इज्जतमत आपके नज़दीक बड़ी चीज़ है इसी तरह किसी और की भी बहन है वो एक साहब आके पूछते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ज़िनाह की आदत है मुझे इजाज़त दीजिए मैं मुसलमान रहूंगा लेकिन मुझे ज़िना की इजाज़त दे दीजिए देखिए कैसा सवाल है साहबी का और अल्लाह के नबी नबीमत की हम क्या करते हैं अरे भाई वो करते कि नहीं करते क्यों नो मगर हम ही बोल देते वहां दिखे थे नो नो वैसी से बोलते तो वहां देखे अल्लाह के नबी नबीम को खुद आके बोल रहे हैं कि हम करना चाहते हैं तो अल्लाह के नबी आसम का जवाब देखिए क्या है ठीक है बैठिए बैठ कर पूछते हैं अच्छा तो क्या आपको पसंद है कि कोई आपकी माँ के साथ या कोई आपकी बहन के साथ कोई आपकी फूफू के साथ खाला के ऐसा काम करता दो हाँ नहीं हो सकता वैसा कैसा पसंद करेंगे तो कहा वो भी किसी की माँ है ना भाई किसी की बहन है ना भाई इतना शराफत के साथ इतनी मोहब्बत के साथ वक्के नबी हैं एक तरफ से बादशाह हैं एक तरफ से हुमरान हैं एक तरफ दबदबा है उसके बावजूद देखिए क्या हिमत है समझाने की ये हिमत हमारे पास से जा चुकी है हमारे पास ज़रा सा दीन आ जाता है दीनदारी आ जाती है समझदारी आ जाती है तो हमारी जबान पर कुफ्र कलिमा तकफी स्टार्ट हो जाता है नहीं भाई उनका मनहज सही नहीं है उन्होंने सही आदमी नहीं है उन्होंने वो मस्जिद को चले जाते उन्होंने वहाँ दिख जाते ये शुरू हो जाता है हमारे पास और जरा सा मस्जिद के पाबंद हो गए कोई नया दिख गया ये कौन है देखो इन्हो क्या मकसद है इनका ये शुरू हो जाता है और कुछ भी जरिए से हरकत हो जाती है उठ के चले जाते हैं तो देखो कैसे आदमी है अरे समझदार नहीं है आपको दिन नहीं मालूम है आपको इल्म नहीं है ऐसा कर देगा वहां पर देखिए अल्लाह के नाम का सलूक कैसा है साहबी है बद्दू है गांव के रहने वाले हैं मालूम नहीं है आता आके जो मस्जिद में खड़े हैं साहबा बैठे हुए खड़े के पेशाब कर दे रहे हैं वहां पर साहबा को गुस्सा आ जाता है साहबा उठ के भागते हैं रोकने के लिए मारने के लिए अल्लाह के विश्व रोकते हैं मत रुक जाओ महलन या खो महलन रुको रुको फिर जब वो टोटल अप, अपनी जरूरत से फारिग हो जाते हैं तो बुलाकर बड़े मोहब्बत से इस अंदाज़ में समझा देते हैं कि देखो ये मसाजिद अल्लाह के घर हैं इसमें जो है अल्लाह का जिक्र होता है कुरान पढ़ा जाता है नमाज पढ़ी जाती है यहाँ पर इस तरह की गंदगियाँ नहीं की जाती और वो शख्स इतना मुतासर होते हैं खड़े के दुआ करने लग जाते हैं कि अः अल्लाह दुनिया में सिर्फ मुझ पर और मोहम्मद पर रहम कर बाकी किसी पर रहमत कर यानी कि क्योंकि उनके सलूक को देखे वो लोग किस तरह उछल के खुद के मारने आ रहे थे लोग बोलकर वो देख कर बोले अल्लाह सिर्फ मुझ पर रहम कर मोहम्मद पर रहम कर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि <द्जाविकराल> तुमने अल्लाह की रहमत को जो है तंग कर दिया अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है कुरान कहता है अल्लाह के अल्लाह तौला फरमाते हैं कि इन्ना रहमती ग़बत सबकत गज़बी कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर साबित हो चुकी है आगे बढ़ चुकी है गालिब आ चुकी है, है। कि अल्लाह का असल मामला तो रहमत का मामला है अल्लाह का असल मामला ग़ब का नहीं है ना तो गज़ब वाले हैं उससे वाले हैं शदीदुल्खाब सख्त पकड़ करने वाले हैं लेकिन उसकी रहमत गालिब है रहमत जिसके हम मोहताज हैं जिसके बारे में अल्लाह तला के रभी फरमाते हैं कि जन्नत में कोई शख्स अपने अमल की बिना पर नहीं कि इंसान जो चंद अमल करके चंद बातें दिल के मालूम करके तकब्बर करने लग जाए बल्कि जन्नत में जाएंगे तो सिर्फ़ अल्लाह की रहमत की वजह से जाएंगे साहबा ने पूछा वला आप भी अल्लाह के नबी से कहा मैं भी नहीं जाऊँगा अपने अमल की बिना पर अकबर हजरात गौर कीजिए अल्लाह अल्लाह के रसुल फरमाते मैं भी अपने अमल की बिना पर नहीं जाऊंगा ही ये कि अल्लाह तला अपनी रहमत से मुझे ढांप ले मेरी सतरपोशी कर ले मुझे माफ़ कर दे तो मैं जन्नत में जाऊंगा ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हजरत सामीन में बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छट्टे उस शख्स का जिक्र किया है जिसमें फरमाया तसदीदिन फअखफाहा हत्ता ला हूँ मातुनफी मा यमील हूँ कि ऐसा शख्स ऐसा सदका करने वाला इतने खलूस नीयत के साथ इतना छुपा कर करने वाला कि कानो कान किसी खबर नहीं हो रही बल्कि राइट हैंड से कर रहा है तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चल रहा इतने खलूस की जरूरत है हैजरात बहुत सी जगह ऐसा होता है कि इंसान खर्च करते हुए इसके दिल में जो है बात ये ख्वाश पैदा होती है कि चंद लोगों को मालूम हो वो हदीस को सामने रखिए जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा किसगर के सबसे बड़ी चीज़ जिसे मैं तुम्हारे सिलसिले में खौफ लायक है फितने दज्जाल से भी बड़ी चीज़ जो मेरे पास है तुम्हारे हक़ में तुम्हारे सिलसिले में पूछा सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सी चीज़ है इतनी बड़ी जो कि फितने दज्जाल से बड़ी है तो कहा शिरकुल खफी छुपा हुआ शिरक इतना छुपा हुआ कि अख़फ़ा मिन दबी बिन नमल कि चूंटी जो चलती है ना उससे भी ज्यादा धीरे धीरे आएगा उससे भी पता नहीं चलेगा चूंटी चलेगी तो पता चलेगा आपको आहट महसूस होगी महसूस करेंगे चलने को आपको चूंटी के चलने को नहीं करेंगे और के खफी कहता है हदीस कहती है कि यानी कि रियाकारी इतना हल्लू आएगी दिल के अंदर इतना जो धीरे धीरे छल के आएगी कि आपको चूंटी की चला च, चलन से भी ज्यादा जो है जो है हल्के तौर पर और महसूस हुए बगैर आपके दिल में आ जाएगी और नतीजा क्या होता है हदीस में जैसा फरमाया कि इन अव्वल मयूस आ बिहन नारे कल क्या के दिन आग जिनसे भड़काई जाएगी जहन्नम के आग के शोलों को दहकाया जाएगा और जहन्नम के आग के शोलों के बारे में क्या फरमाते हैं अल्लाह के नबी कि आग को जलाया गया जहन्नम को जलाया गया जलाया गया जलाया गया यहाँ तक के जल जल कर आग लाल हो गई सुर्ख हो गई आप देख सकते हैं आग को दुनियावी आग को जैसा कि ब्लास्ट कहीं होते तो आप देखिए किस तरह के खतरनाक शोले होते हैं आग के और कुछ भी नहीं है दुनिया की आग ख्यामत की आग के सामने जलाया गया तो लाल पड़ गई फिर जलाया गया फिर जलाया गया यहाँ तक के काली के सफ़ेद हो गई और फिर जलाया गया फिर जलाया गया तक कि काली हो गई सोचिए आप आग है और काली रंग की आग है कितनी खतरनाक होगी ये आग और ये आग को भड़काया जा रहा है उन तीन अशखास के जरिए से जिनकी जिंदगियों में नेकियां थी मगर शिर के खफी यानी कि रियाकारी के साथ दिखलावे के लिए नेकियां थी उनके पास शहीद है उससे बड़ा मकाम किसका हो सकता है लेकिन शहादत इसलिए मिल रही है इसलिए आगे बढ़ रहा है कि लोग उसे याद करें बोले क्या बहादुर था भाई क्या शुजात था भाई क्या बॉडी थी भाई क्या पर्सनालिटी थी भाई कितना जो है ह्यूज था जैसे दीन के लिए अपना जिसम जो है कुर्बान कर दिया अपनी जिंदगी कुर्बान कर दिया लोग मेरे को याद करें मेरी तारीफ करें लोग मुझे बोले अरे कितना अच्छे बड़े मालदार आदमी है देखो क्या क्या करके चले गए ये देखो लोगों का तारीफ करना इसकी ख्वाहिश रखना अलग चीज़ है लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करना ये अलग चीज़ है सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है इंसान तो वहां पर गलत हो जाता है इंसान के दिल में एक तमन्ना होती है कि लोग मुझसे मोहब्बत करे लोग मुझे, मुझे, मुझे पहचाने इस मकसद के तहत करे तो अलग चीज़ है इब्राहिम की दुआ है क्या है अब भी जाह वज लान फ़िलान एल्ला मेरा लिसान सिद्क सच्ची कलिमात मेरे लिए आखिरी आने वालों के हक़ में मुकदर कर दे नतीजा देखते हैं हम इब्राहिम को आज कौन याद नहीं करता यहूदी भी इब्राहिम सलाम को मानते हैं ईसाई भी इब्राहिम को मानते हैं अब्राहम कहते हैं मुसलमान भी इब्राहिम इब्राहिस्म को नाम लेवा है ये लेसान सिद्ध की उम्मीद करना तो करना अल्लाह से मांगना लोग मेरे हक़ में अच्छे करीमात कहें क्योंकि हदीस के अंदर है कि इंसान अन तुम शहदाफिल तुम अल्लाह के गवाह हो जमीन पर यानी कि एक जनाजा के अल्लाह के नबीम के सामने से लोगों ने तारीफ़ की अल्लाह के नबी ने फरमाया वजबत वजबत फिर और एक जनाजा गया फिर लोगों ने जो है उसके सिलसिले में गालियाँ दी या बुरा भुला कहा तो अल्लाह के ने फरमाया वज़बत वज़बत साहबा ने पूछा अल्लाह के रसुलसलम वमा वज़बत ये क्या चीज़ वाजिब हो गई क्या चीज लाजिम हो गई जो आपने फरमाया तो कहा जब तुमने तारीफ की तो उसके हक में जन्नत वाजिब हो गई और जब तुमने उसकी मजमत की तो उसके हक में जहन्नम वाजिब हो गई फिर फरमाया अन तुम शोदा फिल तुम अल्लाह के गवाह हो जमीन पर तुम जो बातें कहते हो अल्लाह के पास लिखी जाती हैं तुम अगर किसी के हक में अच्छी बातें कहते हो तो अल्लाह के पास उसका मकाम बन जाता है हदीस में आता है किसी हक हाँ, किसी शख्स के हक़ हाँ में नेक एक शख्स गवाही दे ईमान की किसी के जनाजे पर तो उसकी मफफरत हो जाती है अल्लाह के पास सवाल ने पूछा तीन आदमी दो आदमी तो कहा दो आदमी भी अगर जनाजे पर के में उसकी गवाही दे दे उसके ईमान की तो अल्लाह के पास उसकी मकफरत हो जाती है तो किसी के पास अपने अच्छे कैरेक्टर की उम्मीद रखना लोग मेरी तारीफ करना ये सोचते हुए अगर कोई अमल कर रहा है लेकिन मकसद असल मकसद अल्लाह को खुश करना है तो वहां पर बात बुरी नहीं होती है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको जो है उसके सामने एक ही तस्वुर है लोग देखें मुझे मैं ये कर रहा हूँ तो लोग मुझे बोलें अगर लोग ना बोलें तो नाराज़ हो जा रहे हैं लोग एजाज़ नहीं दे रहे लोग जो है जनाब साहब नाम ले नहीं बुला रहे उनको इज्जत से नहीं बुला रहे तो नाराज़ हो जा रहे हैं तो ये मतलब क्या हुआ आपकी ये नहीं कि अल्लाह के लिए नहीं हुई नहीं कि अल्लाह के लिए नहीं हुई जैसा किलोम ने लिखा है कि ईमान तो वो है जो जैसा है वैसा ही रहना है यानी कि दिया गया तो ईमान बढ़ रहा और ले लिए तो ईमान कम हो जा रहा है वैसा नहीं आपकी जो सुलूक दूसरों के साथ होना है वैसा है रहना है अपनी जगह पर कायम रहना है लेकिन लोग तारीफ़ कर रहे हैं ये एक अलग से अल्लाह का इनाम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोगों की तारीफ़ के लिए लोगों के कलाम को सुनने के लिए कर रहा है तो वो शख्स शिरक खफ़ी यानी कि रियाकारी का जो है मर्तकब हो रहा है इसकी पकड़ अल्लाह के बाद बहुत सख्त है हजरात सामिर लिहाजा हदीस में आता है कि सदक़िर तुफी गज़बर रब ये छुपा कर किया जाने वाला सदक़ा ख़ुलूस के साथ सदक़ा किया जाने वाला ये अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है अल्लाह के ग़ब को बुझा देता है और अल्लाह के नबी वम जो है ख़्वीन से जो है मुतालबा करते हैं खुवातिन को मुखातब करके कहते हैं या माशा नद ना वलोन युकन्ना अरतों की जमात तुम सदक़ा करो गर्चे के तुम्हारे जेवरात को देकर ही सही यानि कि अपने आप को जहन्म की आँख से बचाने की कोशिश करो पर एक हदीस में फरमाया कि वलो बिशिक की तम रोतिन सदखा करो छोटा हो के बड़ा हो कि गर्चे की कम से कम खजूर की गुटली का जो पर्त होता है उसे कोई फायदा होगा गुटली है खजूर की उसके पास छोटा सा पर्त होता है लेयर होता है बिशिक की तम वो लेयर से कोई फायदा होने या खजूर के छोटे से हिस्से से कोई फायदा होने वाला किसी का पेड़ भरने वाला है नहीं बढ़ने वाला है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उतना हिस्सा ही सही सदका करके अपने आप को आग के अजाब से बचा लो और यहाँ पर भी वर्ड कुरान हदीस ने इस्तेमाल का कि बी सदा के अरबी का फायदा है ग्रामर का नकीरा वर्ड आया है नकीरा यानी कि जिस जिसपे तनवीन आती है इसका मकसद होता है कि बताना उसकी अजमत को या बताना उसकी हखारत को तहकीर को कि बि सदा खतिन सदखा ऐसा सदक़ा जो बड़ा भी हो सकता है जो कम भी हो सकता है ज़रूरी नहीं कि तुम जो है लाखों के पैसे लगा दो बड़ा सा बड़ा फ़ंड डोनेट कर दो और ये समझने लग जाओ कि मेरी मदद हो जाए मैं अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे बल्कि आप छोटा सा छोटा सदक़ा भी कर रहे हैं और से दिल के साथ कर रहे हैं तो अल्लाह के पास इसका मकाम बहुत बुरा होता है बहुत बड़ा होता है हज़रा सामिन आखिरी आखिरी शख्स का जिक्र करता हूँ वरजल ज़क्र खफात आयीना ये वो आदमी है जो तमाम आदमियों पर भारी पड़ता है और अल्लाह के पास बहुत महबूब बनता है यानी कि अल्लाह को याद कर रहा है अकेले में तनहाई में तन्हाई में हमारी कुछ नेकियां होनी चाहिए जैसा कि अभी ये गुजरी हदीस के छुपा कर सदखा कर रहे हैं तो वैसे ये छुपा कर रोने की बात है तन्हाई में रोने की जो सिफत है अल्लाह के सिफात को जानते हुए अल्लाह की मोहब्बत में आकर और अल्लाह के खौफ में आकर इशारे बुखारी इमां इबन हजर फरमाते हैं कि ये मोहब्बत में भी हो सकता है और खौफ में भी हो सकता है मोहब्बत की दलील देखिए हज़रत आयशा रज़ील्हा है नमाज़ पढ़ रही हैं नमाज़ पढ़ते हुए उस आयत पर गुजर हो रहा है जिसमें जन्नती जो है जन्नत में बैठ कर लुफ़ लेते हुए मज़े लेते हुए बोल रहे होंगे तमन्ना तमन्नाबाना आज़ाब शमूम इन्ना कन्ना ख़बलुफ़ियालीना मुशफ़ीन कि हम आज से पहले जब दुनिया में थे तो अपने घर वालों के सिलसिले में सोच कर परेशान रहते थे कि क्या होगा हमारे घर वालों का क्या होगा उनका अंजाम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे क्या मामला होगा उनके अल्लाह के पास ये सोच को हम रोया करते थे परेशान रहा करते थे दुनिया में आज अल्लाह ने हमें बचा लिया आज अल्लाह ने हमारे घर वालों के साथ हमें जमा कर दिया जन्नत के अंदर ये आयतें पढ़ रहे हैं जन्नत का शौक़ दिल में लगा हुआ है उस वक्त को सामने रखे हुए हैं और अल्लाह हजरत आयशा रो रही है नमाज़ के अंदर आपके भांजे का गुज़र वहाँ से होता है अब्दुल्ला बिन जुबैर आदत के मुताबिक आते हैं पूछने के लिए खाला जान के पास कोई ज़रूरत हो तो पूरी करें खाला जान नमाज में है यह आयत पढ़ रही है रो रही है गुजर जाते हैं फिर आकर देखते हैं फिर पढ़ रही हैं रो रहे हैं उसी आयत पर जमी हुई उसी आयत को पढ़ रहे हैं रो रहे हैं सोचे हरात सामीन ये कैसे लोग थे कैसे चाहने वाले थे अल्लाह का अल्लाह ताला से ऐसे मोहब्बत करने वाले थे ज़रा सोच कर देखिए क्या हमारी जिंदगी में ऐसे लम्हा आए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अल्लाह को याद करके रोए हों दुनिया में हमने बहुत रोता है, हम उन्हें बहुत रोया है बचपन से रोते हुए आ रहे हैं कोई चीज़ नहीं मिलती है तो रोते हैं जॉब चले जाती है तो रोते हैं बीवी छोड़ देती है तो रोते हैं बीवी तकलीफ़ दे देती है रोते हैं फला होता है तो रोते हैं क्या कभी हमने अल्लाह को याद करके रोया है हजरात ये ये आंसू बड़ी अहमियत रखते हैं ये आंसू बड़ी अहमियत रखते हैं इस सिलसिले की दो हज़ें सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आँख ऐसे हैं जिन्हें कभी आग नहीं छू सकती वो एक आँख आँख वो है जो अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह के खौफ में आकर रोती है और उसके आँख से आंसू बह पड़ते हैं इसी तरह एक आँख वो है जो अल्लाह के बंदों की हिफाजत के लिए जिहाद के मौके पर उनकी हिफाजत तो उनकी निगरानी के लिए जागती है यह अल्लाह के पास इस आँख का बड़ा मुकाम है और और एक हदीस के अल्लाह के ने फरमाया कि दो ख़तरे ऐसे हैं वो ज़मीन पर गिरने से पहले नीचे गिरने से पहले उनकी मफ़रत हो जाती है एक खतरा वो है जो कि आंसू का होता है और एक ख़तरा वो है जो अल्लाह के रहा में शहादत के लिए खून का ख़तरा बहा जाता है हजरत समीन आखिर में एक बात को ख़त्म कर कह देना चाहता हूँ जिसमें ये बात वजाहत कर देना है कि यहाँ पर सात अशखास का जो जिक्र किया गया है इसके अंदर वैसे ही खवतिन भी शामिल है जैसा कि मर्द हजरात शामिल है कुरान का हदीस का यलूब है अल्लाह के नबी की मजलिसों में अक्सर मर्द हजरात हुआ करते अक्सर कलाम सुनने वाले मर्द हजरात हुआ करते तो उमूा वहाँ पर मर्द हज़रत का नाम का जिक्र किया जाता मस्कुलैन को जो वर्ड को लाया जाता इसीलिए ने सहाबियात ने आके पूछा ये क्या बात है अल्लाह के नबी वसल्लम कुरान हमेशा याहीदीन या आमन कहता है

मेरे बंदियों क्यों परेशान हो रहे हो जितना मेरे पास अहले ईमान मर्दों का मुकाम है उतना ही मुकाम औरतों का है बल्कि बसाओात औरतें सबकत कर जाती है औरतें उस मुकाम तक पहुंच जाती हैं जहां तक मर्द नहीं पहुंच सकते हैं हजरात शामिल है हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अल्लाह ताला, ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए कि हम इन सात बंदों में से इन सात खुश नसीब बंदों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी ना किसी एक कैटेगरी में हमें शामिल कर ले ये तो बड़ा मुकाम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सात कैटगरीओं के अंदर हमारे आमाल को ऐसे बना दे कि हम उसमें दाखिल हो जाए जैसा कि में है कि अबू बकर रजी के सिलसिले में अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सा फरमाया कि जन्नत के सात दरवाजे होंगे और क्या तुम समझते हो आयशा कि किसी एक शख्स को उन सात दरवाजों से बुलाया जाएगा यानी कि हर दरवाजे का खास अमल होगा बाबू रैया है यानी कि रोजा रखने वालों का अमल होगा जितने रोजेदार होंगे खास तौर पर खलूस रखने वाले लोगों को उस दरवाजे से बुलाया जाएगा तो हजरत आयशा फरमाती हज़रत आयशा कहती है मैं दिल में था वो अबू बकर रहेंगे लेकिन मैं भी फिर भी छुपाते भैया अल्लाह रसूल आलम अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं अल्लाह तो के ने फ़रमाया कि मुझे उम्मीद है वो तेरे बाप अबू बकर रहेंगे मुमकिन है सात दर्जे सात दरवाजों से बुलाया जाना सात क्वालिटीज हमारे अंदर आना तो हमारी कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जितना हो सके सात के साथ हम फुलअप करने की हंड्रेड परसेंट फाइव स्टार लेने की कोशिश होती है ना हाँ भाई रेट करो भाई हमारे आपको फाइव इस्टार डालो भाई हम वीडियो डाल रहे हैं इसको शेयर करो लाइक करो ख्वाहिश होती ना तो सोचिए वो ख्वाहिश कितनी बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए हमारे पास उसको हासिल करने की ख्वाहिश करो कि आप जा रहे हैं तो न, आ, आपको फरिश्ते जो है सलाम कर रहे हैं और बुला रहे हैं आइए अंदर आइए जनाब आइए सात दरवाज़ों से आपको बुला रहे हैं और साथ के साथ आपके पास जमा हो जा रहे हैं दुआ के अल्लाब्लम हम सबको इन सात बंदों में शामिल फ़रमाएँ और तोफ़ी इस बात के तब फरमाए कि हम अपने आमाल ऐसे बना लें कि अल्लाह ताली हमारे अंदर वो सात खूबिया जमा दे आमीन व आखानदिल्रबमिन असमिकम वाल वरक